और मेरे पीछे तो यार पूरी है ना अपनी ग्रुप खड़ी है, पूरा सेना वोट लेने के लिए दौड़ दौड़ के आ जाता है। हम लोग क्यों गाड़ी के पीछे दौड़ दौड़ के जाते हैं? विजयवाड़ा आंध्र तो जब आएगा सिचुएशन तो वहाँ पे एक बार फिर से मिलेंगे आपसे मुलाकात। स्वागत है आपका इस एक और नई बेहतरीन वीडियो में। और आज का जो अपना सफर है वो एकदम नया सफर होने वाले, बहुत ही जबरदस्त सफर, रोमांच से भरा हुआ। तो हम जाएंगे यहाँ हावड़ा स्टेशन जो कोलकाता में पड़ता है, और यहाँ से हम करेंगे चेन्नई तक का सफर। और ट्रेनें भी अपनी लगभग आने वाली है, 11:55 पे टाइमिंग है, और यहाँ पे लाइन भी लग चुकी है अपने पीछे, जबरदस्त लाइन है ये लाइन अपनी। आगे लाइन कम है, पीछे लाइन ज़्यादा है। तो ये तो लाइन है, ये अपनी सीट के लिए लाइन है कि जो पहले आएगा उसको सीट मिलेगा, है ना भैया? अयो हाय कर दो यार, हाय करो। तो अपनी प्यारी सी ट्रेन आते हुए और हम सभी इसमें भगेंगे अब। तो दोस्तों अपनी ट्रेन यहाँ पे टाइम से निकल चुके हैं, ओनली 5 मिनट लेट था। तो गुड मॉर्निंग आपको कटक की धरती से। तो इससे पहले भी 2-3 स्टेशन आए थे, जैसे कि अपना आया था खड़गपुर आया था, बिरसौर आया था, और भी 2 स्टेशन थे। तो उसमें मैं नहीं बना पाया क्योंकि इतना क्राउड था अंदर कि मतलब पॉसिबल नहीं था यार बनाना। तो फिलहाल हम कटक पे आ चुके हैं और टाइम्स पे हैं, ज़्यादा लेट नहीं हुए, ओनली 5 मिनट की देरी से अपनी ट्रेन। और हमने कोलकाता से अपनी जर्नी स्टार्ट किए थे। तो कोलकाता से ज़्यादा ठंडी यहाँ पे, वहाँ तो ठंड था ही नहीं यार, यहाँ तो ठंडी लग रही, अभी भी हमें ठंड लग रहा है बहुत ही ज़बरदस्त, पर चेन्नई में ठंडी नहीं होता, तो इसलिए हमने कुछ नहीं लाया अपने लिए। तो दोस्तों मैं तो इस भीड़ में फंस चुका हूँ, अब मुझे वापस जाना अपनी सीट में और इसी क्राउड में इसी भीड़ में। तो जाता हूँ अपनी सीट में यार। भाई तुम फ्रंट पे जा रहे हो आगे? तो दोस्तों अपनी जो जर्नी थी वो कोलकाता से स्टार्ट हुआ था और अभी हम पहुंच चुके हैं आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। इतनी ज्यादा क्राउड में हमने अपने लिए प्यारा सा नाश्ता लेके आए हैं बच्चा बचा के। तो दोस्तों अभी हम इस सफर में आ चुके हैं आंध्र प्रदेश के राजमंदुरी के से आगे हम निकल गए हैं फिलहाल, और यहाँ पे कई लोग क्या जबी से खड़े ही हैं। तो पूछते ही नहीं लोगों से इन्हें कैसा लग रहा है। भैया कहाँ तक आप जाएंगे? भैया आप कहाँ तक जाने वाले, कहाँ तक जाएंगे आप? हम विजयवाड़ा जाएंगे भैया। विजयवाड़ा ये जो ब्रिज है ये तो आपने देखे नदी, इसका नाम है गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी दक्षिण भारत की बहुत ही फेमस नदी है, जैसे अपने उत्तर भारत में गंगा नदी है, बहुत ही पवित्र नदी है, लोगों की इसमें आस्था बहुत ज़्यादा है। उसी प्रकार दक्षिण भारत में गोदावरी नदी की मान्यता बहुत ही ज़्यादा है और इसको बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है, क्योंकि अपने ऐसा कहा जाता है साइंटिस्ट के द्वारा कि अपने इंडिया में सबसे पुरानी नदी यही है। गंगा नदी तो बाद में आई है, सबसे पुरानी नदी यही है अपने पूरे भारत में। तो इसका अलग ही आस्था है और बहुत ही बड़ा नदी है, और ये जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पे है। ये अपना सफर चेन्नई से हमारा सफर होने वाला है। तो एक बार आप सभी हाय करो। हाय तो आई होप कि 3 बजे तक हम पहुंच ही जाएंगे, और अभी शाम का टाइम है, शाम भी नहीं हुआ अभी 5 में। तो अभी हमारा कुछ घंटे का सफर ऐसे होने वाला है रोमांचक मजे में।
हाय कर दो हाय। तो दोस्तों अपने सफर पश्चिम बंगाल के सियालदा पश्चिम बंगाल के हावड़ा से स्टार्ट हुआ था और उस टाइम से अभी तक चेन्नई, अभी कुछ देर में चेन्नई भी आने वाला है और सफर हमारा लगभग पूरा होने वाला है। तो ये भीड़, ये क्राउड जब से अब तक बना रहा, कुछ सवारी उतरे पर उससे ज्यादा फिर वापस से इसमें बैठ भी गए। मैंने सही बोला ना? हाँ। तो ये बता भैया, आपको कैसा लगा इसमें सफर करने? मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। और मेरे पीछे तो यार पूरी है ना अपनी ग्रुप खड़ी है, पूरा सेना। मैं यहाँ का सेनापति, बॉर्डर पे है, मैं यहाँ का सेनापति और सामने हमें करने हमला। कैसे लगा भाई आपको यहाँ पे सफर करने में? बहुत अच्छा। बस बताओ यार कि भाई कितना दिक्कत हुआ? दिक्कत क्या होगा, सफर तो वही है। सही बात है यार, दिक्कत यार क्या होगा तो फिर आपको पता ही होगा, देख रहे होगे क्योंकि जो मतलब जो बैठे हैं वो तो बैठे ही है, जो खड़े हैं वो खड़ी है, तो ये थोड़ा दिक्कत बहुत यहाँ ही नहीं है। आप आगे ले जाओगे पूरा क्राउड है और पीछे जो कोच है उसमें तो और क्राउड है। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्कार। नमस्ते, बोलिए। कहाँ तक आप जाएंगे? चेन्नई? चेन्नई जा रहे हैं। कहाँ से आप? उड़ीसा का। उड़ीसा से? बॉम्बे से आ रहा था। और ये कौन अपने मंत्री साहब तो यार क्या करे यार, ऐसी स्थिति अपने यहाँ पे जनरेट हो चुका। लेकिन यार एक बात है, अगर पता है आपको मतलब जमीनी स्तर पे जाना हो ना तो आप किसी कोच में सफर करो एक दो दिन, आपको सब पता लग जाएगा कि भाई लोग कितना भी कष्ट काटते हैं। अना भाई आप ऐसे में जाओगे आपको कुछ भी पता नहीं लगेगा, आप किस पे सफर करो तो पता लगेगा कि यार क्या दिक्कत होता है। बहुत हंस रहे तब से, इतना हंसी क्यों आता है? विजयवाड़ा, आंध्र। कहाँ से आप? विजयवाड़ा। आपको हिंदी आता है ना? थोड़ा। कितना आता है? थोड़ा। बहुत ही मतलब ठीक ठाक आता है या बहुत कम आता है? समझ आता है हिंदी, समझ। मतलब मैं तो बोल आपको समझ में आया, थोड़ा समझ आया। तो जब आएंगे स्टेशन तो वहाँ पे एक बार फिर से मिलेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे और बताएंगे स्टेशन के बारे में, क्योंकि अभी तो हम बाहर निकले ही नहीं थे किसी भी स्टेशन पे। तो आने दीजिए अब चेन्नई सेंटर, कुछ ही देरों में आने वाला है। जय हिंद। सफर में तो देख ही रहे हैं कि क्या हालत हो रहा है। कहाँ से आप आए हैं? कटक से आ रहे हैं। कटक? कटक की धरती, सही में कटक की धरती वाक्य में बहुत ही बेहतरीन है। कोयम्बतूर जाएंगे। कहाँ? कोयम्बतूर। आप मुझे एक बात और बताइए, जो लोग जनरल कोच में सफर नहीं किए तब उन्हें क्या बोलेंगे? नहीं किए वो तो पता नहीं कर पाएंगे कैसा सफर आ रहा है, जो किए वो बताएंगे कैसा महसूस हो रहा है, किस तरह से क्या कष्ट करते हुए जा रहे हैं। हमें पता है बस ना। तो हम यहाँ पे ऊपर वाले सीट पे बैठ गए हैं, सोचते हैं यहाँ का भी आनंद लेना चाहिए। वैसे मैं दिल्ली से चेन्नई का सफर किया था तो उस टाइम तक मतलब भीड़ इतना नहीं था, बट बंगाल से कोलकाता से चेन्नई के सफर में इतना क्राउड है यार, और मतलब पूरा भरा हुआ है और सबको उतरना है चेन्नई। और एक बात और बताना है कि इसमें सबसे ज्यादा है ना वो अपने बंगाली भाई हैं, जिसको हम दादा बोलते हैं प्यार से, है ना दादा? अंकल आपको बताइए हम क्या बोलेंगे, हम तो जो बोलेगा कि आदमी कितना इसमें जा रहा है, कि आदमी कितना ये इसमें जा रहा है कि रो रो के पैसा करके अपने टिकट नहीं उठा करके जा रहा है, और वही आदमी को मानना पड़ेगा क्योंकि कैसा रो के जा रहा है गाड़ी है? नहीं, बात तो सही है आपकी भाई, इंसान भाई मतलब खड़े खड़े जा रहे हैं। आप तो क्या कहना चाहेंगे? वोट लेने के लिए दौड़ दौड़ के आ जाता है, हम लोग क्यों गाड़ी का पीछे दौड़ दौड़ के जाते हैं? ज्यादा बढ़ा दीजिए, आप रेल मंत्री से ही बोलेंगे कि जो डब्बा ज्यादा बढ़ा दीजिए, आदमियों को जाने आने में बहुत दिक्कत होता है। रेल मंत्री को क्या कहना चाहेंगे आप ये भीड़ देख करके? रेल मंत्री को इंग्लिश क्या हुआ? My question, you are happy or not? Not happy. But why? Because experience
एक्सप्लेन ट्रेन पूरा रश है ना रश क्राउड बहुत ज्यादा है या नहीं आप बोल आप तो अरे इंग्लिश बोल रहे इंग्लिश पे आते थे वो इंग्लिश पे इंग्लिश हिंदी थोड़ा दोनों आते हैं तो तमिल बोलो मिक्स करो करो नहीं यार और रेल मंत्री थोड़ा ब्लॉग शेयर करा तो अच्छा रहता ब्लॉग्स मींस ट्रेन्स ओके व्हाट इज योर नेम अरे भाई भाई ताली हां कर सर भाई ताली ताली बजा ताली ओके अरे ताली बजा दो यार रेल मंत्री ताली हो गया रेल मंत्री भाई है तो ये हम सपने में थोड़ा सा इंटरव्यू लिए अपनी जनता अपने भाई सपने लिए आपस में तो घर पे चल बहुत आदमी हमारे जनरल डब्बे में बैठने के लिए 90 सीट है अगर 90 सीट में 900 भी आदमी बैठ जा रहा है पर डे फिर भी भारतीय रेल को घाटा ही घाटा जा रहा है क्यों ऐसा हो रहा है क्यों ऐसा हो रहा है भाई ने बोले 90 सीट और 900 भी आएंगे तो भी नहीं घाटे क्यों है वो तो रेल मंत्री बताएंगे क्योंकि उन्हें बहुत घाटा होता है आज के टाइम में इतना बढ़ा दिया गया पहले क्या था अभी बल्कि टिकट का बजट बढ़ा हुआ है तो है यार इशू है बहुत इशू है यार इसमें क्या ही बोले सीट नहीं मिलता भैया सीट नहीं मिलता अब हम आपसे मिलते हैं प्लेट स्टेशन पे मिलते हैं ओके तो यही तक अपना था सफर हमारा लगभग क्या होता हुआ और काफी एंजॉय किए इस सफर में हमने और बेसिकली इतना क्राउड में मतलब परसों रात को बैठे थे और परसों से अभी तक क्राउड रहा क्राउड बिल्कुल भी कम नहीं था तो ठीक ठाक रहा इसके अलावा चेन्नई सेंटर ये चेन्नई या तमिलनाडु तो बहुत ही फेमस स्टेशन है बहुत ही क्राउड तो यहाँ पे बेसिकली अभी 17 प्लेटफॉर्म है 70 प्लेटफॉर्म है जिनमें से जो 12 है 12 आपके वो स्टेट वाइज जाते हैं मतलब और स्टेटों में जाते हैं वो मतलब मेन है और उसके अलावा जो 5 प्लेटफॉर्म है वो अपने लोकल ट्रेन के लिए है जो अपने तमिलनाडु के आसपास ही जाते हैं अरे चेन्नई के आसपास सॉरी तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा और मिलते हैं किसी और अच्छे वीडियो में तो तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए और देखते रहिए इस प्यारे से वीडियो को तो जय हिंद बाय बाय